है गाइस, वेलकम टू माय चैनल, दिस इज हितेश यार। आज का हमारा टॉपिक है हेल्टॉक ऑन लेप्रोसी। ठीक है, इसके अंदर हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन डाटा लिख लेंगे, जिसके अंदर नेम ऑफ स्टूडेंट्स आ जाएगा, सब्जेक्ट, टॉपिक, मेथड ऑफ टीचिंग, क्लास, एवियर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टाइम ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, डेट वगैरह के बारे में लिख लेंगे हम। इसके बाद हम प्रीवियस नॉलेज लिखेंगे, भाई ग्रुप मेंबर को पहले से कितनी नॉलेज है लेप्रोसी के बारे में। इसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिख लेंगे हम, कौन कौन से जनरल ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिख लेंगे, कौन कौन से ऐसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या फिर पॉइंट है जिसके बारे में हमको स्टूडेंट्स को बताना है। इसके बाद हम ये टेबल बना लेंगे, उसके अंदर इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले, तो भाई लेप्रोसी होता क्या है, इंट्रोडक्शन तो पता चले स्टूडेंट्स को, तो इंट्रोडक्शन के बारे में लिख लें। उसमें टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी में जो भी हमारा मेथड यूज़ करने वाले हैं हम, एवियर्स में जो भी यूज़ कर रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चनिंग कर लेंगे हम। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, इंट्रोडक्शन के बाद डेफिनेशन लिख लेंगे लेप्रोसी की, डेफिनेशन के बाद कोज लिख लेंगे, भाई कौन कौन से कोज रहते हैं जिसकी वजह से लेप्रोसी होता है। ठीक है, मेन तो इसका एक ही कोज रहता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। इसके बाद रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो जाते हैं उसके बारे में लिख लेंगे हम। इसके बाद साइन सिम्टम, भाई लेप्रोसी की वजह से कौन कौन सिम्टम्स अकर होते हैं या फिर देखने को मिलते हैं, साइन सिम्टम्स के बाद में ट्रीटमेंट। अब किसी को लेप्रोसी हो चुका है तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट लिख लेंगे हम। ट्रीटमेंट के बाद में प्रिवेंशन, प्रिवेंशन कैसे करेंगे, तो प्रिवेंशन के बारे में लिख लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ लेप्रोसी। लास्ट में हम बिब्लियोग्राफी के बारे में लिख लेंगे, भाई हमने डाटा लिया तो कहाँ से लिया, कौन कौन सी बुक की हेल्प ली थी। ठीक है, इसमें ये नेट रेफरेंस भी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। धन्यवाद।